आप लोगों ने देखा होगा, अभी हाल ही में भारत और ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की गई है। तो आप देखेंगे कि ओमान और भारत के संबंध एक बार फिर से चर्चा में आ जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग वर्ल्ड मैप्स कवर कर रहे थे, आप लोग विश्व का भूगोल एक तरह से कवर किया जा रहा था, जिसमें आपने देखा कि विभिन्न नदियां हों, फिर चाहे आपके पर्वत हों, या सभी देशों के बारे में जो भी सामान्य जानकारी हो, उन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आप में से कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि वो इतने सारे देशों के बारे में याद रख पाना बड़ा मुश्किल है। ये आपके लिए नहीं, हर किसी के लिए मुश्किल होता है। तो एक स्मार्ट गिरी यही यही होती है कि जब भी भारत के संबंध किसी देश से चर्चा में रहते हैं, तो उसके बारे में आप सामान्य जानकारी याद रख लीजिए, और लगभग वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए आपको मालूम तो रहे कि किस देश से हमारे संबंध किस तरह के चल रहे हैं और क्यों चर्चा में थे। देखिए, आप देखेंगे भारत हमारा प्यारा भारत ये है एशिया में, ठीक है, और यहां से आप जाएंगे तो ओमान आपका ए है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ये म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। भारत के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी बताएं तो आप जानते हैं इसकी राजधानी नई दिल्ली है और स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिली हुई थी। अंग्रेजों का शासन हमारे पास हुआ करता था। शासन प्रणाली की बात करें तो संघीय गणतंत्र है, और भाषा की बात करें तो हिंदी भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है, और हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं भी है। मुद्रा की बात करें, करेंसी की, तो यहाँ भारतीय रुपया है, ठीक है, याद रखिए। और धर्म की बात करें तो आप देखते हैं कि विभिन्न धर्म भी है हमारे, बहुत एक तरह से विविधता है हमारे धर्मों में। हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, जैन, सिख, बौद्ध, ठीक है। और यही आपके बात करें ओमान की, तो ओमान कहाँ है आपका? ओमान देखने को मिलेगा आपको ए, दिख रहा है ओमान? ये है आपका ओमान। अगर नहीं दिख रहा होगा तब भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इसकी राजधानी की अगर बात करें ओमान की हम लोग, तो ओमान की राजधानी देखने को मिलेगा मस्कट, के ए मस्कट। और इसे स्वतंत्रता मिली थी आपकी 1650 में पुर्तगालों से, ठीक है। यहाँ शासन प्रणाली की बात करें तो राजशाही चलती है, या सल्तनत, एक समय आप लोग जो सल्तनत सुनते थे वही। यहाँ की भाषा की बात करें तो अरबी भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है, उर्दू, बलूची यहाँ बोली जाती है भाषा, है ठीक है। और करेंसी की बात करें अगर मुद्रा की, तो यहाँ रियाल है इसकी, इसकी मुद्रा क्या है? रियाल। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इसकी सीमा लगी हुई है। कई बार क्वेश्चंस क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ओमान की सीमा कितने राज्यों से लगी, देशों से लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब, ठीक है। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये सीमा लग रही है या नहीं लग रही, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे यमन, यानी कि तीन देशों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा ओमान की खाड़ी भी है, ठीक है, ये अरब सागर है, अदन की खाड़ी यही दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है, इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और यहाँ का प्रमुख धर्म है मुस्लिम, ये मुस्लिम क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिए। हाल ही में भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की गई है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद ओमान की ओर से यह भारत का पहला उच्च स्तरीय आधिकारिक दौरा है। एक बात और बताऊं, अभी आपने देखा होगा कि हमारे किसी भी देश से एक तरह से ना तो हमारे प्रधानमंत्री साहब वहां जा पा रहे हैं, ना ही हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जा रहे हैं, ना ही कोई और हमारे यहाँ से वहां जा पा रहा है, ना ही किसी और देश के हमारे यहाँ आ पा रहे हैं। इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, आप लोगों ने देखा है कि कोरोना महामारी ने वो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन किस तरह से लगाया गया है, तो सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ था। देशों की छोड़ी, हम लोगों ने तो ऐसा समय देखा है आप लोगों ने कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले जाना मुश्किल हो गया था, ठीक है। महामारी के दौरान भागीदारी, भारत ने ओमान को कोविड-19 के टीकों की आवश्यक पूर्ति के संबंध में सहायता का आश्वासन दिया है। इसके अलावा महामारी के दौरान भारत ने ओमान को खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्ध कराई थी। और इसके पहले कोविड-19 के दौरान दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के संचालन पर संतोष व्यक्त किया गया। एयर बबल दो देशों के बीच हवाई यात्रा की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है। कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है।
एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जो हमारे यहाँ कोविड, एक तरह से इस महामारी कोविड 19 यानी कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई जा रही है, ये क्या है, सस्ती है और एक भरोसेमंद है। इसलिए हर देश, आप देखिए हर देश की स्थिति ये नहीं है कि आप सोचिए कि अमेरिका, चाइना, जापान जैसी स्थिति नहीं कि कितने भी कीमत में वो हर कोई खरीद सकता है। एक गरीब देश है, आप अपने पड़ोसियों को ले लीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, चाइना की तो ठीक है छोड़ दीजिए आप लोग, चाइना तो आजकल अलग ही चल रहा है, बांग्लादेश देख लिया, नेपाल देख लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, ये क्या है, गरीब कंट्री है। हमारे पड़ोसियों की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में चले जाइए आप लोग, फिर एशिया में ही कई देश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो सस्ती एक तरह से सामग्री चाहते हैं, उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कि महंगी से महंगी दवाइयां भी अफोर्ड कर सकें। और एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कोरोना वायरस के टाइम भी हर देश की मदद की हुई थी, नेपाल की हुई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं नेपाल चाइना की भाषा बोल रहा है, ये अलग बात है। व्यापक समीक्षा की बात करें तो दोनों पक्षों ने राजनीतिक, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, खनन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा कौंसुलर संबंधी क्षेत्रों सहित भारत ओमान संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की है। और एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग, दो देशों की अगर संबंध एक तरह से चर्चा में रहते हैं तो आप समझिए कि दोनों के हित रहते हैं, दोनों देशों के कुछ ना कुछ मतलब रहते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे आप लोग किसी से दोस्ती करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी गरीब से दोस्ती करना पसंद करेंगे, अगर उससे आपका अगर कुछ मतलब निकल रहा है तब आप कर सकते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि अपने से बड़े को दोस्त बनाना पसंद करते हैं आप लोग। तो यही हाल हर देश का रहता है कि भारत से हमारे भी कुछ लेने देने हैं, भारत से हमारे भी कुछ मतलब निकलते हैं, भारत के ओमान से, माफ करिएगा क्या बोला, भारत के ओमान से भी कुछ मतलब निकलते हैं और ओमान के भारत से भी कुछ मतलब निकलते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तभी आप समझिए इनके संबंध बने हुए हैं। किसी भी देश के उठा के देख लीजिए आप लोग, एक समय आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और चाइना का भरोसेमंद एक तरह से आप ये चाहे मतलब ही दोस्त कहिए अमेरिका हुआ करता था, हमेशा इनका साथ देता था, और हमारा साथी हुआ करता था रूस, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि परिस्थिति बदल चुकी है, अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ हो रहा है और रूस का झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ हो रहा है। अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ इसलिए हो रहा है कि चाइना को अगर आगे बढ़ने से रोकना है, फिर दक्षिण चीन सागर की बात हो या कहीं की बात हो, तो भारत की मदद चाहिए अमेरिका को, समझ रहे हैं। अगर आप सोचिए कि भारत का अमेरिका का मतलब अगर चाइना से कल बैठने लगे तो वो चाइना को मदद करने लगे, चाइना की तरफ झुकाव कर देगा अपना, ठीक है। तो यही एक तरह से कहा जाता है ना कि देशों के एक क्या रहता है कि इन देशों के बीच किसी भी देश के कोई स्थायी ना तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है, ठीक है। अरब सागर के दोनों देश एक दूसरे से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं तथा दोनों के बीच सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध है, जिसका श्रेय ऐतिहासिक संबंधी समुद्री व्यापार संबंधों को दिया जाता है। एक बात और सोचिए आप लोग, यहां से आप देखिए कि ये अरब सागर लगा हुआ है, यहां से आसानी से व्यापार होता रहता है, यहाँ आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, ठीक है, ना ही तो किसी की झंझट है, किसी की रोक टोक की, डायरेक्ट आप आसानी से कर सकते हैं। जबकि भारत और ओमान के बीच संबंधों के बारे में जानकारी यहाँ के लोगों के मध्य 5,000 वर्षों के संपर्क के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे और 2008 में इस संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। ओमान भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक प्रमुख स्तंभ भी रहा है। अगर बात करें दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध की, तो भारत और ओमान के बीच अक्सर उच्चतम स्तर की राजनयिक यात्राएं होती रही हैं और मंत्री स्तरीय दौरे नियमित रूप से किए जाते हैं। आप देखेंगे सल्तनत ऑफ ओमान, ओमान खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी संयुक्त परिषद जिसे आप लोग GCC कहते हैं, अरब लीग, हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार भी है, कौन, ओमान। रक्षा संबंध की बात करें तो दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय प्रति वर्ष संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक में अपने संबंधों की समीक्षा भी करते हैं और भारत और ओमान द्वारा अपनी तीनों सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है। इसमें आप देखेंगे सैन्य अभ्यास का नाम है अल नजाह,
एक बात और याद रखिए आपसे, आप लोगों ने देखा होगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास भी पूछ लेता है आपका किन देशों के बीच हुआ है। अब क्वेश्चंस बन जाएगा वनडे एग्जाम में या आपका प्रारंभिक परीक्षा में कि अल नजाह किन दो देशों के बीच आपका सैन्य अभ्यास हुआ था। तो याद रखिए भारत और ओमान के बीच। अगर बात करें वायु सेना अभ्यास की तो ईस्टर्न ब्रिज ये वायु सेना के बीच हुआ था। नौसेना अभ्यास की बात करें तो नसीम अल वह ये आपका नौसेना के बीच हुआ था। किसके देशों के बीच? भारत और ओमान के बीच। 2008 से ओमान भारतीय नौसेना की एंटी पायरेसी मिशनों को समर्थन दे रहा है और ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए ओमान द्वारा भारतीय नौसेना जहाजों का नियमित रूप से स्वागत भी किया जाता है। अगर बात करें दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की तो ओमान के साथ भारत अपने आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता भी देता है। संयुक्त आयोग की बैठक और संयुक्त व्यापार परिषद जैसे संस्थागत तंत्र भारत ओमान के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करते हैं और भारत और ओमान के मध्य मजबूत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध भी है। भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक भी है। भारत ओमान के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूएई और चीन के बाद स्रोत और वर्ष 2018 में इसके गैर तेल निर्यात के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार यूएई और सऊदी अरब के बाद था। तो ये भारत की बात की जा रही है। आप समझ रहे हैं कि आप समझिए पहले हम लोग यूएई और सऊदी अरब के बाद आपका एक तरह से ओमान है। ठीक है, ओमान को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पादन, बॉयलर मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, लोहे या फ्रेश स्टील की वस्तुएं, विद्युत मशीनरी उपकरण, कपड़ा एवं वस्त्र, रासायनिक, चाय, कॉफी, मसाले आदि शामिल है। ओमान को भारत के द्वारा निर्यात किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि ओमान को हम लोग भेज रहे हैं। ओमान से अगर भारत की आयात की बात करें कि भारत ओमान से क्या क्या खरीदता है, इसमें आप देखेंगे मुख्य वस्तुओं में उर्वरक हो गया, खनिज ईंधन हो गया, खनिज तेल भी हो गया और उनके आसवन के उत्पाद और बिटुमिनस पदार्थ आदि शामिल हैं। ये हम लोग ओमान से खरीदते हैं। भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय स्टेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एयर इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि की शाखाएं ओमान में भी आपको देखने को मिलेगी। भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा और इस्पात, सीमेंट और उर्वरक, कपड़ा आदि क्षेत्रों में निवेश भी किया हुआ है। भारत ने ओमान संयुक्त निवेश कोष भारतीय स्टेट बैंक और ओमान के स्टेट जनरल रिजर्व फंड के बीच एक संयुक्त उपक्रम भी है जो भारत में निवेश करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन का संचालन भी किया गया है। फिर आप देखेंगे दुकम पोर्ट तक पहुंच ओमान ने भारत को उनकी नौसेना सहित अपने दुकम बंदरगाह तक पहुंच की अनुमति भी दी है जो इसकी राजधानी मस्कट से लगभग आपको देखने को मिलेगा 550 किलोमीटर दक्षिण में देखने को मिलेगा। दुकम बंदरगाह विशेष आर्थिक क्षेत्र को हिंद महासागर का गहरा समुद्री सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। दोनों देशों के बीच लिटिल इंडिया नामक एक एकीकृत पर्यटन परियोजना को विकसित करने के लिए दुकम में 748 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अगर बात करें आगे सांस्कृतिक सहयोग की तो भारत ओमान के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी हैं। ओमान में भारतीय प्रवासी समुदाय नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता रहता है और भारत के प्रसिद्ध कलाकारों एवं गायकों को आमंत्रित भी किया जाता है। खाड़ी देशों में हर आप देखते होंगे अधिकतर हमारे यहाँ के कई कवि भी जाते हैं, शायर भी वहां जाते हैं और बहुत हमारे प्रवासी लोग भी वहां रहते हैं। ठीक है, ओमान और भारत भारतीय समुदाय की बात करें तो ओमान में बड़े स्तर पर रहने वाले भारतीय समुदाय लगभग सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं। वहां डॉक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, इंजीनियर आदि के रूप में हजारों भारतीय आपको काम कर रहे हैं। कहाँ? ओमान में। यहाँ कई ऐसे भारतीय स्कूल भी हैं जो लगभग आपको 45,000 भारतीय बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए CBSE पाठ्यक्रम की पेशकश भी करते हैं। आगे की राय क्या हो सकती है इन दोनों देशों के बीच? तो भारत के पास अपनी वर्तमान या भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा संसाधन नहीं है। आप जानते हैं कि जो हम लोग कच्चा तेल लेते हैं, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम अपने कच्चे तेल की आपूर्ति खुद कर सकें, इसीलिए हम देखते होंगे कि खाड़ी देशों से हम लोग खरीदते हैं। तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग ने ओमान जैसे देशों की दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की आवश्यकता में योगदान दिया है। और आप समझिए कि हमें अगर आगे देखते रहिए आप लोग, ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा बढ़ती जा रही है। एक समय आप देखते थे कि कितना मतलब लगभग आप
कम ऊर्जा एक तरह से विद्युत हो क्षेत्र में हो या कोई भी ऊर्जा हो कम खर्च किया करते थे। लेकिन आज की परिस्थिति को देखिए, आने वाली परिस्थिति को देखिए आप लोग, कि ऊर्जा की मांग हमेशा बढ़ती जा रही है। तो मांग बढ़ेगी तो आप सही कहिए, कहीं ना कहीं से आपूर्ति तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं है कि बहाना बनाते। और आज का समय तो वो हो चुका है कि बिना ऊर्जा के मुझे लगता है कि जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओमान का दुकम पोर्ट पूर्व में पश्चिम एशिया के साथ जुड़ने वाला अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन के मध्य में स्थित है, और भारत को दुकम पोर्ट औद्योगिक शहर के उपयोग के लिए ओमान के साथ जुड़ने और पहल करने की आवश्यकता है। तो यही कहानी है आपके भारत ओमान के बीच संबंधों की। ठीक है, यही पॉइंट आप लोग याद रखिए, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेगा और आप लोग आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, उसका एक तरह से जो भी, फिर चाहे आपको प्रारंभिक परीक्षा में हो या मुख्य परीक्षा में हो,